हेलो। हाँ थैंक यू। सीजन फेस्टिवल का होता है हर साल मुंबई, गणपति भी उतने धूमधाम से मनाती है। हर फेस्टिवल को मुंबई एकदम प्यार से मनाती है और सज धजा हुआ रहता है हर गली हर मोहल्ला। और कुछ उसी तरीके से आज आपका घर भी क्रिसमस ट्री से सजा हुआ है, छोटे छोटे सेंटा क्लॉज है, ब्यूटीफुल सी कैंडल्स हैं। एंड आप भी आज रेड कलर का ड्रेस पहन के देखिए, कहीं ना कहीं आज थोड़ा क्रिसमस वाला माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्या कुछ बताएंगे अपनी खुशी के बारे में, किस तरीके से आप हर साल मनाते हैं? जैसे आपने कहा कि हर फेस्टिवल को हम धूमधाम से मनाते हैं मुंबई में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही हम हर रिलीजन के हर फेस्टिवल को अपनाते हैं और मनाते हैं उसको। सो डेफिनेटली क्रिसमस एक ऐसा ओकेशन है, फेस्टिवल है जो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि एक तो आपको क्रिसमस में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं सेंटा क्लॉज से, और दूसरी बात जब आप सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, दिवाली वाली फीलिंग आती है, यू नो, लाइट से भर जाते हैं, कैंडल से भर जाते हैं। तो या मैंने भी छोटा सा थोड़ा डेकोरेट किया। मैम अगर बात करूँ फेस्टिवल्स की, सबसे फेवरेट फेस्टिवल आपका कौन सा? सबसे फेवरेट, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट एज बिकॉज आई एम अ बंगाली आई विल से दुर्गा पूजा, क्योंकि दुर्गा पूजा इज़ अ कल्चर, यू नो, फॉर बंगालीज, इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग फॉर बंगालीज, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दुर्गा पूजा। अदरवाइज आई थिंक आई लव ऑल फेस्टिवल्स, गणपति टू दिवाली टू होली टू क्रिसमस ईद, एवरीथिंग। मैम जब क्रिसमस की बात करो, सेंटा क्लॉज की याद ना है तो फिर क्रिसमस क्रिसमस नहीं। बचपन की अगर कुछ यादें अगर आप हमसे बताना चाहें या ताज़ा करना चाहें कि किस तरीके से स्कूल में क्रिसमस डे मनाया जाता था, क्या कुछ एक्साइटमेंट होती थी आपके मन में? तो जैसे कि दिसंबर की शुरुआत में ही स्कूल में क्रिसमस ट्री हमारा सज जाता था, यू नो, प्लेइंग ग्राउंड एरिया में। उसके बाद 20th दिसंबर से हमेशा क्रिसमस की छुट्टी मिलती थी फॉर 12 टू 14 डेज, क्योंकि मैं क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से हूँ, तो 12-14 दिन की छुट्टी मिलती थी। पर हाँ, 24 तारीख को रात को मैं डेफिनेटली सॉक रख के सोती थी, कभी कभी सॉक्स रख के सोती थी, ताकि अगले दिन सुबह उठ के गिफ्ट्स मिले पापा से। डेफिनेटली छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते थे, चॉकलेट्स, यू नो, पेन, कलरफुल पेंसिल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो बहुत ही खास यादें जुड़ी हुई है। अगर बात करूँ मैम इंडस्ट्री की, तो किस तरीके के भी आगे चल के आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं? काम तो बहुत सारा करना है, बहुत मैं काम के लिए लालची हूँ, तो बहुत सारे काम करने हैं। फिलहाल आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म, लाइक OTT शोज एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना ज़रूरी है लाइफ में। इज देयर एनी पर्टिकुलर रोल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन OTT, एनीथिंग दैट? नो, आई थिंक OTT के सारे मतलब जो भी शोज़ आते हैं मोस्टली बहुत रियलिस्टिक आते हैं, यू नो, आई लाइक प्लेइंग रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, तो या। एनी एक्टर दैट यू वुड लव टू वर्क विद इन OTT? देयर आर सो मेनी एक्टर्स, ऑफ कोर्स आई वुड से माय फेवरेट दीपिका पादुकोण। यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक हाउ मच यू आर फॉलोइंग बिग बॉस दिस ईयर? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाई, इनिशियल कुछ स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स फॉलो कर रही थी, बट नहीं कर पाई। यस, कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान को इस बार देखा हो कि ही इज प्लेइंग रियली वेल दिस ईयर? ऑनेस्टली मुझे लगा कि थोड़ा सा सारे कंटेस्टेंट्स जो है बहुत ज़्यादा बिग बॉस, यू नो, देख के या फॉलो करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी, रियल सेल्फ छुप रहा है। बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, जितना मैंने स्टार्ट में देखा था, आई हैव नो क्लू कि अभी क्या हो रहा है, बट या मुनावर इज़ डूइंग वेल। नील को मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने नील के साथ एक शो किया था ZTV के लिए बहुत साल पहले, तो नील इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। या अगर बात करूँ मैम फिल्मों की भी, तो एनिमल बहुत ज़्यादा इस बार चर्चे में है, क्या आपने एनिमल देखी? नहीं देखी है अभी तक, बट
बहुत जल्दी देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं उस फिल्म को लेके, सो बहुत जल्दी देखना है। जिस तरीके से आपने कहा कि नहीं देखा, अगर बात करो रील्स की, तो लॉर्ड बॉबी जी का जो अंदाज सामने आया है उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैंने नहीं देखा वो ट्रेंडिंग रील, ओके सॉरी। अगर बात करो ऐसी फिल्म जिसका आप इंतजार कर रही हो 2023 के एंड में, सारी फिल्म्स यू नो बहुत मेहनत से बहुत दिल लगा के बनाया जाता है, तो डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर ऑल द फिल्म्स। ऐसा कुछ एनी रेजोल्यूशन फॉर 2024? रेजोल्यूशन, हाँ रेजोल्यूशन यही है कि गुस्सा कम करो, नाराज़ कम हो, क्योंकि वो करके आप अपने आप को स्ट्रेस कर देते हो। तो इस साल रेजोल्यूशन यही है कि और कम मैं गुस्सा करूं, और थोड़ा सा जैसे कि हम बॉम्बे में रहते हैं ना, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है हम बहुत लेट बेड पे जाते हैं, लाइक सोने के लिए जाते हैं। तो इस साल का मेरा यही रेजोल्यूशन है कि थोड़े से जल्दी लाइक 12 मिडनाइट तक आई शुड गो टू बेड। 2024 वी आर गोइंग टू सी यू लाइक इन इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग, राइट? सो वुड यू लाइक टू से समथिंग इन व्हिच मंथ, लाइक फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, मिड हाफ? हाँ, हम प्लान कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2023 जुलाई में हमारी जर्मन वेडिंग हो चुकी है, तो डेफिनेटली प्लानिंग फॉर 23 जुलाई? नो नो, 24 जुलाई, नो, गोवा में प्लान कर रहे, तो जुलाई में बहुत बारिश रहेगी, तो इसीलिए फर्स्ट हाफ में ही सोच रहे बारिश आने से पहले। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन।